मॉर्निंग एवरीवन, स्टैंडर्ड वन व्याकरण आनंद में आज मैं आप लोग को वर्ण पढ़ाऊंगी। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जैसे कि किताब में लिखा है, अ से अ तक, अ आ हर्षवई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ अ। व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, त ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ द ध दंतन, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्यश मूर्धन्य श दंश ह अक्ष त्र य श। इनमें से चार जो नीचे दिए गए हैं अक्षर त्र य श, ये संयुक्त अक्षर है। जैसे अक्षर, ये संयुक्त अक्षर क हलन जोड़ मूर्धन्य श मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। त्र, त्र कहने से ही त्र त हलन जोड़ र, त्र ज्ञ ज हलन जोड़ इय, श्र तनाव्य श हलन जोड़ र श्र। ये संयुक्त अक्षर है। सबसे पहले यह ध्यान देना है जनरल मिस्टेक क्या होता है बच्चों में, व्यंजन अक्षर में ध और भ बच्चे गलत लिखते हैं, क्योंकि ध और भ का ऊपर का सिरोरेखा खुला रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पर हाथ रख कर बोलिए भ, क्या गर्म हवा जैसा आ रहा है, तो वो भी भ जो है सांस लेता है, इसीलिए सिरोरेखा उसका खुला रहना चाहिए। भ का सिरोरेखा खुला रहना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे मात्रा। स्वर अक्षर व्यंजन अक्षर की सहायता करता है, स्वर अक्षर को व्यंजन अक्षर बुलाता है। अरे मेरे पास आओ, मेरे पास आओगी तो हम लोग दोनों मिलकर मात्रा बनेंगे। जैसे आ की मात्रा आकार, हर्षवई की मात्रा हर्षवईकार, जिसका उच्चारण हम जल्दी करते हैं, उसको बोलते समय शॉर्ट टाइम लगता है। जैसे दिन, दीर्घई की मात्रा है दीर्घिका, जिसका जो समय लगता है बोलते समय हम दिन बोलेंगे। दिन और दिन में अंतर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हर्षौ की मात्रा हर्षुकार, इसका उच्चारण जल्दी होता है। दीर्घुकार की मात्रा दीर्घुका, री की मात्रा रीकार, जो अक्षर के नीचे लगता है। ए की मात्रा एकार, ऐ की मात्रा ऐकार, ओ की मात्रा ओकार, औ की मात्रा औकार। नीचे में दिया है अंग की मात्रा अनुस्वार, चंद्रबिंदु विषय। अनुस्वार और चंद्रबिंदु अनुनासिक शब्द है। अनुस्वार में हम क्या करते हैं, मुंह से ज्यादा आवाज निकालते हैं नाक से, जैसे कंस। चंद्रबिंदु में नाक से ज्यादा सांस लेते हैं मुंह से कम, जैसे आंख दांत पांच। और तीसरा है विषय, जो विषय जो है जिस अक्षर के अंत में लगता है उस अक्षर को हम जोर देके बोलते हैं, अतः फलतः। अब आता है स्वर मूल रूप में, अ से अनार, आ से आम, हर्षवई से इमली, दीर्घई से ई, हर्षौ से उल्लू, दीर्घौ से ऊन। अब स्वर मात्रा के रूप में अमातृ शब्द है नल, नल में कोई मात्रा तो नहीं है तो ये अमातृ शब्द है। अब ताला में मात्रा लगा है, ये मातृ शब्द है। ताला हिरण मछली गुलाब चूहा।
ऋषि, एक ऐनक, उपरी औरत, वृक्ष सेब, बैल मोर, तौलिया अंग चंद्रबिंदु, अह कंघा सांप, छ अनुस्वार, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। अब आता है अनुस्वार वाले शब्द, जैसे ठंडा, अंदर, झंडा, बंदर, कंधा, चंदा, पंख, लंबा, मंडप, चंचल, गंध, जंगल, अंडा, दंग, डंडा, पंखा, शंख, घंटे। अब आता है चंद्रबिंदु वाले शब्द, बूंद, आग, धुआं, ऊन, कांटा, गांठ, आज, चांदी, यहाँ, पांच, मार, बान, मुँह, मूछ, कांच, कहाँ, मूछ, दांत। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर, जिसके पहले मैं आपको यहाँ पर संयुक्त अक्षर के बारे में बताई। और इसके लिखने का तरीका है संयुक्त अक्षर का, पहले हम पूरा छ को लिखते हैं, फिर उसके आगे च को बैठाते हैं। च छ संयुक्त से सब बना है मच्छर, त त संयुक्त से बना है पत्ता, च च संयुक्त से बना है बच्चा, न य संयुक्त से बना है कन्या, त त संयुक्त से बना है पत्थर, स त संयुक्त से बना है बस्ता। कुछ संयुक्ताक्षर शब्द इस प्रकार है, अच्छा, सच्चा, कुत्ता, चक्की, धन्य, उत्तर, सस्ता, कच्चा, गत्ता, मक्का। अब यहाँ पर कुछ करने को दिया गया है, एक घड़ा है, घड़े में स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर लिखा गया है, इसमें से आपको चुनकर स्वर अक्षर को अलग लिखना है, व्यंजन अक्षर को अलग लिखना है। ये आपके वर्कशीट पर कल आपको मिल जाएगा। ओके, बाय। चैप्टर टू, उच्चारण के आधार पर मात्रा का अभ्यास। अ में कम समय लगता है और आ में अधिक समय लिखा है, किताब में लिखा हुआ है। पहला है कि स्पेलिंग को कैसे उच्चारण करेंगे, तो इसका रूल है, नियम है। फर्स्ट से द वर्ड बिन स्पेलिंग, पहले जो लिखा है अमात्रिक शब्द जल, कोई मात्रा नहीं है, जल है, लेकिन इसमें आ की मात्रा लगा है, वो जाल है। तन, तना, कम, काम, नल, नाल, बल, बाल, कल, काल, कर, कार, थल, थाल, दल, दाल, मल, माल। अब हर्षोई की मात्रा जो है उसमें बोलते समय टाइम को कम लगता है, इसका उच्चारण हम जल्दी करते हैं, जैसे दिन, द हर्षिका दंतना, दीन, इसमें ज्यादा समय लगा है क्योंकि दीर्घिकार की मात्रा इसमें डाला गया है, द दीर्घिका दंतना, दिन, दीन, बिल, बीन, खिल, खिल, गिन, गीत, टीका, टीका, किला, किला, सिल, सिल, दिया, दिया, पिला, पिला, पिन, पीना। अब हर्षों की मात्रा का उच्चारण जल्दी होता है और दीर्घों की मात्रा का उच्चारण थोड़ा देर से होता है, थोड़ा हम लोग खींच के बोलते हैं। चुप, चूस, खुश, खून, सुख, सुख, खुश, खून, चूरा, चूहा, उधर, ऊपर, धूल, धूल, रुक, रुक, सुना,
खुना, खुना भूल, बेल बैल, पेड़ पैर, बेर बैर, खेला खेला, मेवा मैदा, बेलन बैठक, सेब शेर, पेड़ा पैसा, केला पैसा, रेशम फैशन। अब आता है ओ और ओ की मात्रा का उच्चारण हम कैसे करते हैं। चोट चौक, दो नौ, और थोड़ा चौड़ा, लोट लोट, मोन मौन, बोना बोना, चोर चौक, नोट नोटा, शोर सोच। थैंक यू।